वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूं, जी हां, 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग करेंट अफेयर, जो कि डेली सुबह के 4 बजे आपको ये करेंट अफेयर दिए जाते हैं। और ये करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के करेंट अफेयर में हम एक टॉपिक देखेंगे स्टैटिक जीके का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ से जुड़े हुए हर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके से भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और भारतीय अर्धसैनिक बल तथा उसके प्रमुख के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आज का ये सेट लगाते हैं। रोज सुबह 4 बजे हम करेंट अफेयर लेकर आते हैं, जो कि डेली बेसिस का ये करेंट अफेयर होता है। और आज इस सिनारियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके का करेंट अफेयर। और 30 जून का करेंट अफेयर का वेट कीजिए, उस दिन आपको पूरे जून का करेंट अफेयर मिलेगा। 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आज के इस सेट में। टोटल टॉप 20 क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आपको कितना पता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शाम को 6 बजे का वीडियो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जी हाँ, उसमें बिहार दुर्गा के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। और अनअकैडमी बीपीएससी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ना भूलें, जी हाँ, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके ज्वाइन कीजिए, 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग तैयारी की कराई जा रही है। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आप जुड़ जाइए तैयारी में। शुरुआत करते हैं पहले एक प्रश्न से। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से आंसर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, भारतीय सशस्त्र के बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो, ठीक है। आंसर कीजिएगा रामनाथ कोविंद इज द राइट आंसर। दोस्तों, रामनाथ कोविंद हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति हैं, मतलब कि कितने नंबर पे राष्ट्रपति हुए हैं ये, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इनको जो है 2017 में, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पे इनको स्थापित किया गया। न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उस समय थे जे एस खेहर, नोट कर लीजिएगा इनका नाम। ये सारी चीज़ें आपको लिखने को आ सकती हैं, पूछ सकता है। 20 जुलाई 2017 को इनको राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाया गया। आपको बता दें दोस्तों कि रामनाथ कोविंद जो है एक राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं, और इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। तो राज्यपाल थे ये बिहार के, वहाँ से उठे और ये भारत के राष्ट्रपति बन गए, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, रामनाथ कोविंद जो है कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये हमारे 14वें प्रेसिडेंट हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेनाओं के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, जनरल बिपिन रावत इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की 3 सेनाओं के बीच तालमेल को लेकर बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का एक नया पद बनाया और बनाने का ऐलान किया था। इसको ताकतवर CDS के पास अधिकार होगा और भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका फुल फॉर्म जान जाइएगा, याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। ये कौन बने हैं? तो जनरल बिपिन रावत, तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं। ये हमारे देश के पहले, और ये इतिहास ही रहेगा अपने आप में, ये पहले CDS बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में थल सेना के प्रमुख कौन है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए, भारतीय सेना में प्रमुख कमांडर भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख सेनाओं में से एक है, और संख्या की दृष्टि से देखें तो भारतीय थल सेना के जवानों की संख्या दुनिया के चीन के बाद सबसे अधिक भारतीय सशस्त्र सेवाओं की है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में थल सेना की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये हैं, इट्स अ सी, जी हाँ, मनोज मुकुंद नरवाड़े, नोट कर सकते हैं, मिस्टर मनोज मुकुंद नरवाड़े, ठीक
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इनको, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारतीय सेनाओं में थल सेना के प्रमुख कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए, थल सेना के यहाँ पे अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रखिएगा, मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। और थल सेना के इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो नरवाणे, जिसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो भारतीय सेनाओं में थल सेना के प्रमुख अभी हैं जनरल एस सैनी, इज द राइट आंसर, जो कि बदल चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 5। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए, वर्तमान में है अभी हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नोट कर सकते हैं, जी हाँ, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रख सकते हैं। यहाँ पे जिन्होंने एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ के सेवानिवृत्त के बाद ये 30 सितंबर 2019 को ये पदभार संभाले हैं। तो किसने किसको रिप्लेस किया, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, है ना? तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा केयर जरूर कीजिएगा। 30 सितंबर 2019 को राकेश सिंह भदौरिया ने, जी हाँ, मार्शल बीरेंद्र सिंह को यहाँ पे, वीरेंद्र सिंह धनोआ को यहाँ पे रिप्लेस किया, यानी सक्सीड किया यहाँ पे उनको, और ये बन गए हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं तस्वीरों में आप इनको। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में नौसेना प्रमुख कौन है? तो आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ सी एडमायरल करमवीर सिंह इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एडमायरल करमवीर सिंह, जो कि सशस्त्र सेनाओं में नौ सेना के ये क्या है, प्रमुख हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एडमायरल करमवीर सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं सैन्य संचालन प्रमुख कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि सशस्त्र सीमा बल 1715 किलोमीटर लंबी है हमारे भारत की, और सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है, याद रखिएगा, इसका जो है हेडक्वार्टर भी पूछता है तो ये न्यू दिल्ली है। इसके वर्तमान महानिदेशक श्री राजेश चंद्रा जी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और महानिदेशक और सैन्य संचालन प्रमुख कौन है इसके? तो ये हैं दोस्तों, इट्स अ बी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के प्रमुख कौन है? भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ए सुरजीत सिंह देसवाल। नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। एसएसबी का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, और BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सेफ्टी फोर्सेस, ठीक है, याद रखिएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनको, जी हाँ, सुरजीत सिंह देसवाल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं तटरक्षक ICG के प्रमुख कौन है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पे, इट्स ए, जी हाँ, के नटराजन इज द राइट आंसर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनको, जी हाँ, ICG, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो तटरक्षक बल, ठीक है, याद रखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICG? तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, है ना, ICG का फुल फॉर्म क्या है? चलिए यहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICG? चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए, भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं तटरक्षक, तो भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं तटरक्षक बल के प्रमुख हैं दोस्तों, इट्स अ ए नट के नटराजन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कौन है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए
अनूप कुमार सिंह इज द नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, अनूप कुमार सिंह इज द राइट आंसर। दोस्तों देख सकते हैं तस्वीरों में आप इनको, और ये भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक भी हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी के प्रमुख भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्धसैनिक बल के निदेशक एवं विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख कौन है? स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ग्रुप, सॉरी आंसर कीजिएगा यहाँ पे। विशेष सुरक्षा दल जो है दोस्तों, आपको बता दें कि संघ की एक विशेष सुरक्षा बल होती है जो कि प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा देती है। आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ बी, यह अरुण कुमार सिन्हा इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे बी इज द करेक्ट आंसर, ये आप तस्वीरों में इनको देख सकते हैं। यह AK सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय अर्धसैनिक बल के निदेशक है और विशेष सुरक्षा बल के प्रमुख भी हैं। भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं भारत के तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख कौन है? ITBP के प्रमुख कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल याद रखिएगा आंसर होगा ए, जी हाँ अनूप कुमार सिंह ही हैं। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ ये आपको बता दें कि ITBP के महानिदेशक हैं, जी हाँ, जो कि अभी 2019 में बने गए थे। SS देसवाल, देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल CRPF के प्रमुख के रूप में, और यहाँ पे अनूप कुमार सिंह जो कि ITBP यानी कि भारत सीमा तिब्बत पुलिस के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? अनूप कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं असम राइफल के प्रमुख कौन है? चलिए आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, जो कि असम राइफल्स के ये क्या है, तो प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए इनको तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ध्यान रखिएगा असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं सशस्त्र बल SSB प्रमुख कौन है? तो अब SSB का पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इट्स अ डी, कुमार राजेश चंद्रा इज द राइट आंसर। जी हाँ SSB के प्रमुख हैं, देखिए, और थोड़े थोड़े नाम में बदलाव हैं, इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के दीजिएगा। महानिदेशक और सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं, जी हाँ, कुमार राजेश चंद्रा, और ये अर्धसैनिक बल के हैं। ठीक है, आंसर होगा राजेश, जी हाँ, चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के प्रमुख कौन है? तो CRPF के प्रमुख कौन है, जल्दी से बताइएगा, CRPF के प्रमुख कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ ए, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, IPS अधिकारी रह चुके हैं मिस्टर आनंद कुमार माहेश्वरी, जो कि बुधवार को ही दुनिया के सबसे बड़े 3.5 लाख कह सकते हैं कर्मियों वाले अर्धसैनिक बल CRPF के महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 के बैच के ये रह चुके हैं IPS अधिकारी, आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में। ठीक है, जिनको यहाँ पे बनाया गया है CRPF प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख कौन है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं इसको, CIF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अर्धसैनिक बल के, जो कि मुख्य कार्य क्या है, तो सरकारी कंपनियों को, जितने भी महारत्न कंपनियां हैं या फिर जितनी भी महारत्न कंपनियों के अलावा मिनी रत्न कंपनियां हैं, उसमें अपनी सेवा प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा, इट्स अ डी, के सॉरी राजेश, राजेश रंजन इज द राइट आंसर। डी राजेश रंजन इज द राइट आंसर। ओके, देख सकते हैं आप इनको तस्वीरों में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं रेलवे सुरक्षा बल RPF के प्रमुख कौन है? RPF के प्रमुख कौन है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, अरुण कुमार है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल मुखिया डायरेक्टर जनरल, जो कि प्राय भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होते हुए भी इस समय यह 1982 बैच के उत्तराखंड कैडर के IPS अधिकारी हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं।
आंसर कीजिएगा ए अरुण कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, जी हाँ राजीव चोपड़ा इज द राइट आंसर। देख सकते हैं तस्वीरों में आप इनको, राजीव चोपड़ा जो है ये बने हैं एनसीसी प्रमुख, ठीक है, महानिदेशक और राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, ये नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके राजीव चोपड़ा बने हैं 2020 के, जी हाँ महानिदेशक, याद रहेगा। चलिए एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है, एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल जिसको हम लोग एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, ये कौन है दोस्तों? तो इट्स अ प्रधान, नोट कर सकते हैं SN प्रधान जो है यहाँ के प्रमुख बने हैं, और ये कुल 41 टीमों की, दोस्तों याद रखिएगा 41 टीमों की ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में तैनात किए गए हैं इनकी टीम, ठीक है, ये अभी जो वहाँ पे उम्फान तूफान आया था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में इनको, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे NCRB के प्रमुख हैं इट्स ए, जी हाँ रामफल पवार, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रामफल पवार, जी हाँ NCRB के प्रमुख कौन है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप नोट कर सकते हैं, भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न करके एक कार्यालय है जो कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये ब्यूरो जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी सशक्त करना, वर्तमान में इस ब्यूरो को महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये महानिदेशक कौन है और राष्ट्रीय यहाँ के प्रमुख कौन है, तो ये हैं रामफल पवार। ओके तो ये 2020 के अपडेट हैं दोस्तों, यहाँ पे समाप्त होता है टोटल कंप्लीट, और आपको मैंने टोटल 20 ऐसे क्वेश्चन दिए जो कि आपके 2020 के स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट था ये। तो वीडियो कैसा लगा इसे आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।